इस समाचार के प्रायोजक हैं गोल्ड्स जिम मुजफ्फरपुर, क्योंकि फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती। उठाइए उठाइए हाथ को थोड़ा ऊपर। सब आदमी अपने चेस्ट के नीचे पैकेट को, कंधे को नीचे खाइए। आप नीचे गिराइए ना, नीचे गिराइए, घुमाइए उसको। अब चेस्ट पर ऐसे रखिए, दिखाई देगा, सड़ जाएगी, आपस में लोग सड़ जाओगे। अगरबत्ती जो भी होता है फूलों पर बनता है, लेकिन नई सोच पैदा किया कि फ्रूट कन्वर्ट क्यों नहीं, फल को हम खुशबू के माध्यम से लोगों को उसका मीठा एहसास दे, उसको ताजगी दे, इसलिए अपने शहर से स्टार्ट किया। हमें लगता है लीची हमारा शहर पूरे विश्व में, शाही लीची जो हमारा है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं चाहता मेरा प्रयास कई सालों से था कि मैं अपने शहर को लीची के माध्यम से पहला पहली फ्रूट अगरबत्ती मैं लीची पर निकाला हूँ, और पूरे विश्व में पूरे लीची अगरबत्ती करके किसी का नहीं आया। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसको स्मेल लेने पर आपको इसके मिठास पेट में चला जाएगा, और जलने पर पूरा माहौल लीची का लीची लीची हो जाएगा, आपको लगेगा पूरा लीची भरा हुआ। क्या कहेंगे आज के लॉजिक पर दर्शकों? नहीं, सबका सहयोग रहा है, और मुन्ना अगरबत्ती की टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयास से, कई सालों के प्रयास से आज सफलता हाथ लगी है। अगरबत्ती अपने आप में एक मैसेज है नए युवाओं के लिए जो बेरोजगार होकर रोड पर घूम रहे हैं। एक छोटे से इकाई को शुरू रूप में आज शुरू करके इन्होंने विश्व में पहचान बनाई। डेली हम लोग अगरबत्ती जब परचेज करते हैं तो उसमें फूलों की इमेज नजर आती है। ये इनोवेटिव आइडिया इन्होंने क्रिएट किया है, तो इस इनोवेटिव आइडिया को यदि प्रतिस्पर्धा अभी कहीं मार्केट में मिलने नहीं आ रही है, यह एक बहुत बड़ी पहचान है। मुजफ्फरपुर की हमारी पहचान है लीची फ्रूट, और इसको फ्लेवर देकर इस शहर की पहचान को विश्व स्तर पर बनाना एक प्रेगनेंस के रूप में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा इस कम्पिटिटिव मार्केट में। अगरबत्ती के साथ साथ उन युवाओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो हमेशा बड़ी इकाई के रूप में देखना चाहते हैं, बड़े उद्यमी बने, एक छोटे से उद्यमी के रूप में भी आज इस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। आज एक उदाहरण है मुन्ना अगरबत्ती, जो कम से कम 100-200 लोगों को रहे इनडायरेक्ट रूप से रोजगार क्रिएट करते हैं। रोजगार सृजन का इससे अच्छा उदाहरण और कोई हो नहीं सकता।